में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का क्या इस्तेमाल है, जिसको हम कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का शिक्षण कौशल के विकास में क्या योगदान है। तो सूचना ये जैसे ऐप्स है जिसकी मदद से आप पढ़ रहे थे, या कि ऐप्स का इस्तेमाल क्यों होता है, स्टूडेंट्स के लिए किफ़ायती है या फ़ायदेमंद है कि नहीं है, उसी हिसाब से सूचना प्रौद्योगिकी को अगर हम शिक्षण कार्यों में यूज करते हैं, अगर हम डिवाइसेस का जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल अगर हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल अगर हम एजुकेशन के लिए यूज करते हैं, तो इसका बेनिफिट है कि नहीं, इसका फ़ायदा होगा कि नहीं, और इसको कैसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो या फिर शिक्षण कौशल को अगर मुझे डेवलप करना है तो उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए हमें शिक्षा में सुधार चाहिए तो हमें सबसे पहला क्या करना होगा, पहला सूचना व संचार प्रौद्योगिकी इसका इस्तेमाल करना होगा, हमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना होगा। और शिक्षा में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका, तो इसमें जैसे हम सूचना, नॉर्मल सी बात है, देखिए आज कितना इजी हो गया है कि कोई भी स्टूडेंट्स घर पे बैठे आईआईटी तक के लेक्चर्स को स्टडी कर सकता है, क्योंकि हर तरह के क्लास, हर तरह के लेक्चर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट मटेरियल पहले किताब खरीदने तक के पैसे, मुझे याद है कि हम लोग सेकेंड हैंड किताबें पहले खरीद के पढ़ा करते थे इंटरमीडिएट की, चूँकि किताबें बहुत महंगी आती थी, 250, 200, 300 की इस तरह की बुक्स होती थी। लेकिन आज की डेट में बहुत से ट्यूटोरियल्स हमको ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है, जो नेट पे सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। अभी मैंने इस कई ऐप्स के बारे में भी बताया जिस पे आपको कई किताबें मिल जाएंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसलिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का की एक अहम भूमिका प्ले करता है, बहुत अहम रोल प्ले करता है आपके कौशल विकास में, शिक्षण कौशल विकास में। जहाँ कार्यस्थल है आपका, वहाँ पे प्रौद्योगिकी, वहाँ पे सूचना तकनीकी, मान लीजिए जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, जिस स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, अगर इस स्कूल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं कि आजकल हम महंगे छोटे मोटे स्कूल में भी जो स्कूल्स हैं मॉडर्न स्कूल्स, उसमें प्रोजेक्टर की व्यवस्था है, लैपटॉप की व्यवस्था है, क्लासेस लैपटॉप पे चलती हैं, सीसीटीवी कैमरा है जिसकी वजह से हम पूरे स्कूल पे निगरानी रख सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती है अगर जिस जगह पे हमारा कार्यस्थल है, जहाँ पे शिक्षा का कार्य संपन्न हो रहा है जिस विद्यालय में, वहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया जाए तो बहुत से मैन पावर की भी दिक्कतें कम हो जाती हैं। ठीक है, मतलब सीसीटीवी कैमरा से आपको स्कूल के हर वारदात पे हर पैनी नज़र रख सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आप एक स्थान पे बैठे हैं, आपने लाउडर लगा रखा है, या फिर मोबाइल फ़ोन के जरिए देखिए, अगर एक क्लास से दूसरे क्लास में किसी को हमको पहले बुलाने के लिए प्यून को भेजना पड़ता था, अगर स्कूल का कैंपस बहुत बड़ा हो तो प्यून को हम भेजते, जाओ उनको बुला के ले जाओ। लेकिन अभी क्या है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, आप बैठे बैठे डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉल करके टाइम को भी बचा सकते हैं, सेविंग करके उनको आप बात कर सकते हैं। तो इसके लिए बार बार हर चीज़ों के लिए आपको आना जाना नहीं है। ठीक है, स्कूलों में प्रिंटर्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन डेटा सिक्योर करने के लिए कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। तो कार्यस्थल पे आपको सूचना तकनीकी के इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता है। रेडियो और टीवी, हमारे प्राइमरी स्कूलों में आज भी रेडियो का इस्तेमाल होता है, जिस पे बहुत से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे मीना की दुनिया इस तरह से आता है एक चैनल, जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों में इंफॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। बहुत से ऐसे लाइव कहानियाँ होती हैं जिसको आप बच्चों को रेडियो और टीवी पर सुना सकते हैं, कार्टून के इस्तेमाल से, इससे बहुत फ़ायदा होता है, इससे लर्निंग क्वालिटीज़ बढ़ती है। जैसे आपने सुना होगा खेल खेल में शिक्षा के बारे में, खेल खेल की शिक्षा की जो पद्धति है उसमें बच्चे खेल कूद में ही सीख जाते हैं बहुत सी चीज़ें। ठीक है, रेडियो टीवी प्रसारण का शिक्षा में इस्तेमाल करना बहुत ही अहम भूमिका निभाता है शिक्षण कौशल में। विद्यार्थी केंद्रित शैक्षणिक माहौल भूमिका बनाने में, अच्छा सबसे बड़ी बात कि टीचर कितना भी पढ़ा ले, अगर स्टूडेंट्स खुद से बैठ के अगर एक ग्रुप में नहीं पढ़ना सीखते हैं, मतलब विद्यार्थियों के अंदर खुद में ये लक्षण होना चाहिए कि जब टीचर क्लास से बाहर हो जाए तो वो एक जगह इकट्ठा होकर उस बातों पर डिस्कस कर सकें जो टीचर ने क्लास में खड़े होकर अभी बोला है। तो ये माहौल बनाना पड़ता है, ये माहौल टीचर्स को बनाना पड़ता है कि वो ग्रुप डिवाइड करें, बेहतर बच्चों को, कमज़ोर बच्चों को, या फिर एवरेज बच्चों को, सबका ग्रुप बना के वो एक जगह बोलते हैं कि आप लोग एक साथ मिलके पढ़ो। ये इस पे बहुत फोकस करना चाहिए, अगर एजुकेशन सिस्टम को आपको सुधारना है, शिक्षण के में कौशल आपको दिखाना है, तो
तो बच्चों के अंदर ये भावना प्रेरित करनी चाहिए कि आप ग्रुप में बैठ के पढ़ो, ठीक है, ताकि आप अपने प्रॉब्लम, क्योंकि हर बच्चे को की प्रॉब्लम को सॉल्व करने एक टीचर के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि बच्चे एक दूसरे में भी कई चीज़ों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की समर्पित शिक्षण की प्रभावकारिता, जो भी स्कूल कॉलेज या फिर संस्थान जो है आप देखते होंगे, अगर उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IECT का बहुत बेहतरीन अगर इस्तेमाल हुआ है, तो वो काफ़ी हाई फाई एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में आज कंपटीशन इतना ज़्यादा है, एक छोटे से बच्चे को, बच्चे के अंदर भी कंपटीशन हो गया है, क्योंकि बहुत से आप देखते होंगे लिटिल चैम्प शो ऐसे चलते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म करते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपना नाम करते हैं, 5 साल का बच्चा DID और ऐसे शोज में बेहतरीन प्रदर्शन करता है, TV पे आते हैं, तो उनके अंदर भी कंपटीशन है, कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के अंदर भी कंपटीशन आता जा रहा है कि काश मैं भी गाना गाता, काश मैं भी डांस भी कर सकता, एजुकेशन को भी। तो इसलिए आज की जो शिक्षा है, आज के जो मॉडर्न शिक्षा है, ये मॉडर्न शिक्षा चहुमुखी विकास पे जा रही है, ये सिर्फ पढ़ाई पे नहीं जा रही है, खेल खेल में, शिक्षा में, स्विमिंग में, हॉर्स राइडिंग, डांसिंग, सिंगिंग, सब में आप बच्चों को चहुमुखी विकास करना जरूरी है। इसलिए वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सहयोगी साबित होता है कि आप कैसे भी ICT के माध्यम से आप शिक्षण को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं, बहुत ही बहुत हाई डेफिनेशन पे आप शिक्षा को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्कूल के लिए सही प्रौद्योगिकी औजारों का चयन शिक्षा में ICT के प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह खंड शिक्षा में इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देता है और शिक्षा में ICT के इस्तेमाल के दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में सूचना देता है। तो जैसे मैंने बताया आपको ICT का मतलब क्या है, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी उन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना के प्रेषण, संग्रहण, निर्माण, प्रदर्शन या आदान प्रदान में काम आते हैं। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की इस व्यापक परिभाषा के तहत रेडियो, TV, वीडियो, DVD, टेलीफोन, लैंडलाइन और मोबाइल फोन दोनों ही, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आदि सभी आते हैं। इसके अलावा इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाएं और उपकरण जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और ब्लॉग्स आदि ICT के दायरे में आते हैं। आप TV, वीडियो, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके इन कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं। मोबाइल फ़ोन अगर आप यूज़ करेंगे और उसमें कई ऐसे कार्टून्स आप रखेंगे, तो देखिए बच्चे उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं उस चीज़ को सुनने में, इससे लर्निंग क्वालिटी उनकी बेहतर बनती है। तो जैसा हमने बताया आपको हर कंटेंट के बारे में शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, तो शिक्षा में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है, इसके बारे में आप बेहतर कॉन्सेप्ट खुद बना के जो सूचना संचार है वो शिक्षा में कैसे एक बड़ा चैलेंज बन गया है आज की डेट में, ठीक है। हर स्टूडेंट्स मोबाइल पे पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है, इवन किसी और से, किसी बुक से पढ़ने से, क्योंकि आप बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप बुक्स को हर जगह कैरी नहीं कर सकते। किसी शादी में है, फंक्शन में है, तो आप बुक्स को कैरी तो कर नहीं सकते, लेकिन एजुकेशन के लिए मोबाइल में आप ज़रूर उस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब देखिए कार्यस्थल पर अगर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना है आपको, तो प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जुड़ी नीतियों, रणनीतियों और व्यवहारिक कदमों के प्रदर्शन के लिए दुनिया भर से ली गई अन्वेषण, कामयाबी और विफलता की दास्तानें, इन तहत निम्न विषय शामिल होंगे। कई माध्यमों से अध्ययन, शैक्षिक TV, शैक्षिक रेडियो, वेब आधारित निर्देश, खोज के लिए पुस्तकालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में व्यवहारिक गतिविधियां, मीडिया का इस्तेमाल, कम अवस्था में विकास, कम जनसंख्या घनत्व, प्रौढ़ साक्षरता, महिला शिक्षा और कार्यबल में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को लक्षित इस्तेमाल, शिक्षकों को तैयार करने और कैरियर से जुड़े प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी, नीति निर्माण, डिजाइन और डेटा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी, स्कूल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी। आज की प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के लिए मौजूद चीज़ों पर एक नज़र इसमें देख लीजिए आप, कौन कौन सी चीज़ें आपको विजुअलाइज हो रही है। रेडियो और टीवी का इस्तेमाल देख लीजिए, इसको एक बार देख लीजिएगा बस नॉर्मली, जिसका मैंने अभी एक डिस्क्रिप्शन दिया है उसको थोड़ा सा आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ।
जो मैंने अभी अभी बताया है सब उसी के बारे में है, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। बस एक बार एक सरसरी निगाह से इसको देखिए, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में रहते हैं कि इन्होंने बोल तो दिया लेकिन कंटेंट कहाँ से लिखाऊंगा, इसलिए मैं ये कंटेंट आपको नॉर्मली दिखा रहा हूँ जिसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है अभी। ये सारा हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं कि मैंने क्या बोला है। हर कंटेंट का डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको ये चीज़ बहुत तेज स्क्रॉल हो रहा था तो आप पॉज का बटन दबा दीजिए, पॉज का बटन दबा के आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बताऊंगा तो आपके लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये, ठीक है। नोट्स आप चाहे तो मुझसे ले मिल सकते हैं या मेरी वेबसाइट पे आके इसको डाउनलोड कर लीजिए, जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए विद्यार्थी केंद्रित शैक्षणिक माहौल बनाने में भूमिका, यह भी मैंने इसके लिए चर्चा किया। ये नोट्स पूरा आप मेरी वेबसाइट technoshekhar.com पे आपको अवेलेबल मिलेगी, आप इसको वहाँ से जाके डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि आप अगर लिखने पे बैठेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कंपटीशन का एक एक सेकंड बहुत ही कीमती होता है, अगर आप नोट्स बनाने में नोट्स को डाउनलोड करने में रहेंगे तो आप उस चीज़ को आपके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। इसलिए मेरा बना बनाया नोट्स है, आप इसको डाउनलोड करिए, स्टडी करिए और इसको पढ़ लीजिए। आप नोट्स को अगर लिख भी रहे होंगे तो आप इसको पॉज करके ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा शिक्षण में कौशल। तो होप गाइस आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इस बेल आइकॉन को क्लिक करने के बाद आगे के नोटिफिकेशन हमारे आपको मिलते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई कमेंट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे टाइप भी करें या हमें मेल करें। थैंक यू।